सर्व धर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। भैया वेट, भैया। तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें आज ही। नमस्कार, मैं शायना एटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कश्मीर के हालात की न्यायिक जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। आपको बता दें कि उनकी मांग थी कि कश्मीर हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए करवाई जाए ताकि सारी स्थिति साफ हो सके। विपक्ष ने हंगामे के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन इस बीच सदन की कार्यवाही चलती रहे और विपक्ष का हंगामा भी जारी रहा। आपको बता दें कि हंगामा कर रहे विपक्ष ने अपनी मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार को किसी बात का डर नहीं है तो वो जुडिशियल जज से क्यों डर रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर और कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा कि जुडिशियल जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं उनका कहना था कि जांच से पता चल जाएगा कि खराब हालात पैदा करने के पीछे किसका हाथ था और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, वॉकआउट हमने इसलिए किया और हमने कल भी आपने देखा जो चीफ मिनिस्टर ने दो तकरीर की, एक गवर्नर एड्रेस पे और दूसरा जो उन्होंने इस पे तकरीर की जो एडजर्नमेंट मोशन थी, दोनों तकरीरों में उसने माना कि बहुत जातियां हुई हैं, लोगों को मारा गया और सरकार को भी पता नहीं है कि वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और मोहम्मद नसीर हकीम साहब की तरफ से पहले दिन से डिमांड होती रही कि आप जुडिशियल प्रूव करें। जब सरकार मानती है कि फोर्स का एक्सेसिव यूज किया गया, कुछ लोगों के नाम भी गिनवाए कल चीफ मिनिस्टर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये बेगुनाह मारे गए। एक प्रोफेसर साहब हैं जो पांपोरा के हैं, एक रियाज अहमद है जो छतरबल के, इसी तरह कुछ मिशा। जब ये गवर्नमेंट भी मार रही है कि हाँ जी जातियाँ हुई है, जो इसमें मुलाविस है, क्या कानून क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, हमारी देश की डेमोक्रेसी क्या कह रही है कि लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करना। अगर CM और इनकी पार्टी भी समझते हैं, अगर इन्होंने उनको मुआवजा भी दे दिया 5-5 लाख रुपए, अगर ये मान रहे हैं कि केस विड्रा करेंगे, ये सारी चीज़ें मानकर फिर पर्दा किस बात का पर्दा है। अगर इसमें जुडिशियल प्रूफ हो जाए पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है। आज तक चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नहीं बताया कि कौन मुलविस है। आप ऐसे ही प्ले टू गैलरीज और पहलियाँ बजाएंगे जिसमें बहुत लोग, ये प्लान किया गया था, आप लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया, किसने किया? आफ्टर ऑल जुडिशियल प्रूफ में ये सारी बातें सामने आ जाएगी। हु इज बिहाइंड दिस मैसेकर, कौन है इसके पीछे, अपराइजिंग के पीछे कौन है, ताकि आवाम को भी ये पता चले कि कौन लोग हैं, कौन एजेंसियां हैं, कौन ग्रुप है, कौन पार्टी है या कौन कोई और ग्रुप है जो जिसने ये किया और इस लोगों को उकसाया। चीफ मिनिस्टर साहब सब ये कह रहे हैं, लेकिन जब जुडिशियल प्रूफ की बात होती है हैंड डाउन कर रही है। सरकार ने तो पहले ही कहा है कि हम इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स एस्टेब्लिश हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं। और तो अगर किसी भी स्टेज पे हमें लगा कि जुडिशियल प्रोब की जरूरत है, कहा है कि भाई हम जो है सभी डिस्ट्रिक्टों में सिट बनाएंगे जो है, इन्वेस्टिगेट करेंगे और कहीं भी लगता है कि किसी ऑफिसर ने कोई जाप्ती की होगी उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। अब ये पसंद और नापसंद की बात है। अब 2010 में जब कांग्रेस और NC की हुकूमत थी, तब भी आपने देखा है कि कितना बड़ा टर्मोइल और इससे ज़्यादा किलिंग्स वहाँ घाटी के अंदर हुई है। तो बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर के कश्मीर घाटी में, इस तरीके का जो है एक हालात पैदा हो जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें मिलजुल कर पूरी जितने भी राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर को, हमें जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली के शहादरा इलाके में गेम पार्लर की आड़ में ऑनलाइन कैसीनो चलाने के आरोप में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है और इनके पास से आपको बता दें कि करीबन 25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि कृष्णा नगर इलाके में एक बच्चों का गेम पार्लर है
और लोगों ने शिकायत की कि यहाँ बच्चों की जगह बड़े लोगों की भीड़ होती है। पर्दाफाश करने के लिए पुलिस कांस्टेबल कस्टमर बनकर इस पार्लर में गया तो वहाँ पता चला कि गेम मशीन में सिर्फ गेम दिखाया गया है लेकिन पीछे से ऑनलाइन कसीनो चलाया जा रहा। आपको बता दें कि इस कसीनो में कस्टमर को एक रुपए लगाने पर 18 रुपए मिलते थे अगर वो जीतता था तो। वही पुलिस कांस्टेबल को मालिक अमित ने 1,000 रुपए लगाने को कहा और कहा कि जीतने पर 36,000 रुपए मिलेंगे। ये काफी समय से कसीनो चल, पुलिस ने कसीनो मशीन और सॉफ्टवेयर जब्त कर लिया है। कसीनो चलाने वाले अमित समेत 4 कस्टमर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट का मामला दर्ज किया है। कल एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि कृष्णा नगर में एक आनंद प्लाजा में सेकंड फ्लोर पर गेम पार्लर चलता है और ये इन्फॉर्मेशन थी कि गेम पार्लर की आड़ में वहाँ पर कसीनो चल रहा है, ऑनलाइन कसीनो। इन्फॉर्मेशन को डेवलप कराया ACP गांधीनगर ने और इन्होंने एक प्लानिंग भी करी, ऑर्गेनाइज भी किया है इसको प्रैक्टिकली जो फील्ड पर एग्जीक्यूशन के लिए। एक डिकॉय भेजा, कॉन्स्टेबल पंकज है हमारा, वो डिकॉय कस्टमर बन के गया। वहाँ पर जाकर के पता चला कि मिनिमम जो गेम है वो 1,000 से शुरू होता है, एक लिमिटेड ग्रुप के लिए है। उन्होंने एक रेफरेंस भी बताया है ऐसे ही, जो रेफरेंस उन्हें लगा कि सही में बता रहा है एंड वो गेम खेलने के लिए बैठ गए। वहाँ पर उनको पता चला कि 13 तरह के गेम हैं और जो प्रॉमिस है वो बहुत ज़्यादा है, दे आर प्रॉमिसिंग फॉर्च्यून कि अगर आप जीत गए तो 1 का 36 मिलेगा। जैसे 1,000 रुपये लगाए हैं तो 36,000 रुपये लगाएंगे। जब ये बात उनको कंफर्म हो गई और गेम चालू हो गया, उन्होंने इमिडिएटली जो बाहर टीम खड़ी थी उनको टिप दिया आने का और हमने रेड करी वहाँ पर। प्रमिसेस रेड वाज सक्सेसफुल, 4 लोग ऑलरेडी खेल रहे थे वहाँ पर और एक जन जो अमित था वो ऑपरेट कर रहा था उस गेम को अपने कंप्यूटर के थ्रू, जो मास्टर कंप्यूटर उसका था, सॉफ्टवेयर उसमें डले हुए थे। और ये गेम ऐसा था कि आप वहाँ पर जाइए, डिफरेंट गेम्स थे, कुछ गेम्स का 1x36 था, कुछ गेम्स का 1x18 था और कुछ गेम्स का 1x9, मतलब 9 गुना आप लगाएंगे जैसा वैसा मिलेगा। जाने के पहले आपको कैश जमा करना होगा और आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो क्रेडिट पॉइंट आपके कंसोल पर आ जाएंगे। जनपद जालौन के कोच कोतवाली के पुलिस ने 8 रोड पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 1,95,000 रुपए पकड़ लिए हैं। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि कोतवाल देवेंद्र द्विवेदी अपनी पुलिस टीम के साथ 8 रोड पर आचार संहिता के उपरांत वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि इसी दौरान सघन चेकिंग में पुलिस ने एक DCM गाड़ी UP78CN 5657 से एक व्यक्ति से लगभग 1,95,650 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस को स्पष्ट कागजात ना दिखाए जाने पर पुलिस ने रुपयों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि व्यक्ति का नाम राम जियावन बताया जा रहा है। वहीं इसी दौरान CEO कोच नवीन कुमार नायक ने खुलासा करते हुए बताया कि हमारी पुलिस ने 8 रोड पर चेकिंग करते समय राम जियावन से 1,95,650 रुपए बरामद किए। वहीं इनका कहना है कि पैसा कोमल यादव उर्फ लंबू भाई को देने आया था और इनको जो पैसा मिला था वे सिद्धार्थ नगर के वासी राम शरण ने दिया था। आज 8 किराए पे कोतवाली पहुंच की पुलिस टीम द्वारा, इसमें इंस्पेक्टर स्वयं मौजूद थे, राम जियावन यादव सन ऑफ राम विलास यादव जो कानपुर के रहने वाले हैं रायपुरवा थाना के, इनके पास से ये 1,95,600 रुपये की गाड़ी से बरामद हुए। इनका ये कहना है कि ये पैसा जो है यहाँ पर कोच में कोमल यादव उर्फ लंबू भाई को देने के लिए आए थे और इनको जो पैसा मिला था वो बासी सिद्धार्थ नगर जनपद के रहने वाले राम शरण ने दिया था। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण न मिलने के कारण पैसा इस समय जब्त कर लिया गया। आगे की कार्रवाई फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा। राजस्थान राज्य के जालौर जिले में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण समिति की ओर से जिला मुख्यालय पर रैली का आयोजन रखा गया। देवासी समाज के हाल ही कुछ दिन पहले कोर्ट ने मिले हुए आरक्षण को रद्द किया गया था। आपको बता दें कि उसी को लेकर देवासी समाज और अन्य पिछड़ी जातियों में आक्रोश है। आरक्षण को फिर से चालू करने और निम्न के अंदर रखने को लेकर जगह जगह समिति बनाकर आयोजन किया जा रहा है। वहीं देवासी समाज की विशेष मांग ये है कि विशेष पिछड़ा वर्ग को करीबन 50% के भीतर आरक्षित किया जाए।